ये आप सबको पता है कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, पर कैसे ये आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, ऑनलाइन पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं, पर आज मैं इस वीडियो में आपको ऑनलाइन पैसे कमाने के रिलायबल यानी सिर्फ भरोसेमंद तरीके ही बताऊंगा, जिसे अपनाकर आप फुल टाइम अर्निंग कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, दिस इज विशाल और आप देख रहे हैं टेकी विशाल। मेरे लिस्ट में सबसे पहला नाम है यूट्यूब, जिसमें मैं खुद पर्सनली पूरा भरोसा करता हूँ। दोस्तों, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जिसपे सारे दुनिया के लोग वीडियोज डालते हैं और वो भी फ्री। YouTube क्या करता है, वो उन वीडियोस पे एड्स दिखाता है और उन एड्स से YouTube जो भी पैसे कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा जिसने वीडियो अपलोड किया है उसे दे देता है। तो मान लो कल को आप YouTube पे अपना चैनल खोलते हो और अपने वीडियोस डालते हो और अगर उन वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं तो आप उस वीडियो से पैसे कमा सकते हो। आप सोचोगे कि हम कौन से वीडियो डाले, तो दोस्तों आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकते हो। अगर आपको किसी चीज की अच्छी नॉलेज है तो आप उस चीज को दूसरों को सिखा सकते हो। पर हाँ दोस्तों, यहाँ एक बात समझनी होगी, YouTube हो या कोई और तरीका, ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए आपको बेहद सारी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। अगर आप नया चैनल बनाते हो तो आपके वीडियोस पे एकदम से ऐड आना शुरू नहीं होगे, उसके लिए पहले आपको एडसेंस का अकाउंट बनाना होगा। अगर आपको एडसेंस के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। जैसे ही आप एडसेंस का सेटअप कर दोगे, उसके बाद जब तक आपके चैनल पे 10,000 व्यूज नहीं हो जाते तब तक कोई एड्स नहीं दिखेगी। 10,000 व्यूज पूरे हो जाने के बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका है ब्लॉगिंग। दोस्तों, आप ब्लॉगिंग करके भी अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग यानी जिसमें आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हो किसी भी टॉपिक पे और उस पर डेली अपने नए नए आर्टिकल्स डालते हो। उसके बाद जैसे ही आपके ब्लॉग पे व्यूज बढ़ते हैं तो आप अपने ब्लॉग्स पे एड लगा के पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, ब्लॉगिंग करने के दो तरीके हैं, एक जो कि पूरी तरह से फ्री है, इसमें आप ब्लॉगर जो कि गूगल की ही एक कंपनी है जिसपे आप अपना खुद का एक फ्री ब्लॉग बना सकते हो और जैसे ही आपके ब्लॉग्स पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगी तो गूगल उस पर एड्स दिखाएगा जिससे कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि जिसमें आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के अपनी एक अलग होस्टिंग लेके अपनी वेबसाइट को चला सकते हो। दोस्तों, ब्लॉगिंग करने के भी बेहद सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग इवेंट ब्लॉगिंग करके भी पैसे कमाते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग में जब त्योहार या फिर कोई बड़ा इवेंट जैसे कि वर्ल्ड कप या IPL आने वाला होता है तब लोग उस टॉपिक पे ब्लॉग्स बना देते हैं और वो उस इवेंट के दौरान पैसे कमा लेते हैं। तीसरा तरीका है ऐप डेवलपमेंट। दोस्तों, आप अपनी एक खुद की एंड्रॉयड ऐप बना के भी पैसे कमा सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग एंड्रॉयड ऐप बना के भी पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एंड्रॉयड ऐप बनाना तो बहुत मुश्किल होगा, अगर आप एक सिंपल से ऐप बनाना चाहते हो जैसे कि मान लो शायरी की ऐप जिसमें आप अच्छी अच्छी शायरी डालोगे तो आप ऐसे ऐप को आसानी से बना सकते हो। उसके लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो जिसे थंकेबल कहते हैं, जिस पे आप आसानी से कोई भी स्टैटिक ऐप बना सकते हो। पर अगर आप एक डायनेमिक ऐप बनाना चाहते हो जिसमें आपके ऐप में अलग अलग फंक्शंस होंगे तो फिर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी हो जाता है और ऐसे ऐप को बनाने के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि एक एंड्रॉयड ऐप बनाने वाला सॉफ्टवेयर है जिसपे आप कोडिंग करके किसी भी प्रकार का ऐप बना सकते हो। एंड्रॉयड स्टूडियो पे ऐप बनाने के लिए आपके पास कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग नॉलेज, इन दो चीजों का होना जरूरी हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आपकी ऐप बनके रेडी हो जाती है तो आप उस ऐप को प्ले स्टोर पे डाल सकते हो। फिर जैसे ही आपके ऐप पे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे वैसे ही आप एड्स दिखा के पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। प्ले स्टोर पे अपने ऐप को अपलोड करने के लिए गूगल आपसे $25 की वन टाइम फीस लेता है, उसके बाद आप जितने चाहो उतने ऐप्स डाल सकते हो। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं पर्सनली कंप्यूटर इंजीनियर हूं और मैं जावा सर्टिफाइड भी हूँ, इसलिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मेरा अच्छा खासा नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है। मेरे खुद के बहुत सारे ऐप्स प्ले स्टोर में अपलोडेड है। अगर आप मेरे ऐप्स को देखना चाहते हो तो बस प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में टेक्नोलॉजी टाइप करो, वहाँ आप मेरे ऐप्स को देख सकते हो। और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, ऐप में यूट्यूब और ब्लॉगिंग से भी ज़्यादा अर्निंग होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में वीडियोज बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला तरीका है फ्रीलैंसिंग। अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आप कोई काम ऑनलाइन कर सकते हो तो आप फ्रीलांसिंग करके भी पैसे कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग यानी आप अपने घर बैठे बैठे किसी क्लाइंट का काम ऑनलाइन कर दो। यानी अगर आप फोटोशॉप में एक्सपर्ट हो तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो अपना काम आपसे कराना चाहते हैं और वो उस काम के बदले आपको पैसे देते हैं। दोस्तों, फ्रीलांसिंग के लिए तीन सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। पहली तो है freelancer.com जिसपे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जिनका आप काम कर सकते हो। दूसरी साइट है फाइवर। फाइवर में आपको अपने गिग्स बनाने होते हैं, यानी कि आप पहले से ही बता देते हो कि मैं इतने पैसे लेके ये काम करूंगा, तो जैसे ही कोई क्लाइंट आपके गिग को देख के आपको ऑर्डर देता है तो आप उसका काम करके उससे पैसे कमा सकते हो। अगली वेबसाइट है अपवर्क। दोस्तों, ये भी फ्रीलांसर की तरह ही एक वेबसाइट है
जिसपे आप क्लाइंट्स को उनका काम कंप्लीट करके दे सकते हो। ऑनलाइन पैसे कमाने का अगला तरीका है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग वेबसाइट पे से किसी भी प्रोडक्ट का अफिलिएट लिंक लेकर दूसरों को शेयर कर सकते हो। अगर कोई इस लिंक पे क्लिक करके उस चीज को खरीद लेता है तो आपको उस पे कमीशन मिलता है। दोस्तों, अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाने के लिए आपके पास एक बड़ा यूजर बेस होना जरूरी हो जाता है, तभी आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आपका कोई पॉपुलर यूट्यूब चैनल है तो आप डिस्क्रिप्शन में अफिलिएट लिंक को डालकर पैसे कमा सकते हो। अगर आपकी कोई पॉपुलर वेबसाइट है तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हो। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से भी आप पैसे कमा सकते हो। हाल ही में फेसबुक ने अपने साइट पे यूट्यूब जैसे वीडियो शेयरिंग का फीचर शुरू करने का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो उसके जरिए आप फेसबुक से भी पैसे कमा सकते हो। और ट्विटर भी वीडियोस पे एड्स रेवेन्यू शेयरिंग की शुरुआत करने वाला है। उसी के साथ आप फेसबुक पे अपना पेज भी बना सकते हो, और अगर आपके पेज से अच्छे खासे यूजर्स जुड़ जाते हैं तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हो। और यही चीज आप ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट पे आपके पास अगर बड़ा यूजर बेस है, अगर लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप आसानी से पैसे कमा सकते हो। आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, आप अपने एफिलिएट लिंक को शेयर कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अगला तरीका है लाइव एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आप लोगों का लाइव मनोरंजन करके भी पैसा कमा सकते हो। इसमें एक सबसे पॉपुलर तरीका है ऑनलाइन गेम खेल के। आप ट्विच जैसी वेबसाइट या फिर यूट्यूब का लाइव फ्यूचर, जिसे यूट्यूब गेमिंग कहते हैं, उस पर जाके आप लाइव गेम्स खेल सकते हो। तो अगर आपके पास एक हाई एंड कंप्यूटर है, अच्छे ग्राफिक कार्ड और अच्छे इंटरनेट स्पीड के साथ, तो आप इससे भी आसानी से पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, आपको मैंने अब तक 7 तरीके बताए ऑनलाइन पैसे कमाने के, और इन तरीकों को अपना के आप ऑनलाइन एक अच्छी खासी और रिलायबल इनकम कर सकते हो। इन 7 तरीकों के अलावा भी एक और तरीका है जिससे आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है, जैसे कि आप ऑनलाइन कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जिसे आमतौर पर स्टार्टअप कहा जाता है, जिसमें आप लोगों को किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हो। उस सर्विस के बदले आप लोगों से कुछ अमाउंट चार्ज करते हो। दोस्तों, अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर दोस्तों, स्टार्टअप शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट और उसी के साथ साथ बहुत सारी मेहनत और पेशेंस की जरूरत पड़ती है, तभी जाके आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हो। आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ओयो रूम्स, ये एक स्टार्टअप कंपनी है जिसे रितेश अग्रवाल ने शुरू किया था। इसमें वो लोगों को होटल्स के अच्छे रूम सस्ते दामों में अवेलेबल करा देते हैं। आज उनका बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो गया है कि वो सिर्फ 21 साल की उम्र में 2500 करोड़ की कंपनी के मालिक बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे ऑनलाइन पैसे कमाने के कुछ रिलायबल तरीके जिन्हें आप पूरे भरोसे के साथ अपना सकते हो। दोस्तों, इनके अलावा हजारों तरीके हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के, पर उनमें से ज्यादातर फ्रॉड होते हैं, जिसमें आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो गए। अगर आपको लगता है कि मैंने ऑनलाइन पैसे कमाने के किसी रिलायबल तरीके को मिस कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।